इस वीडियो में आपको बताऊंगी कटोरी ब्लाउज को डबल कटोरी में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए मैंने कटोरी ब्लाउज कट कर लिया है और कटोरी ब्लाउज कैसे कटिंग करते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वो वीडियो देख लें। और जैसे कि मैंने कटोरी ब्लाउज कट कर लिया है, अभी मैं चाह रही हूँ इसको डबल कटोरी में कन्वर्ट कर दूँ, वो भी बिना कट किए हुए। तो अभी आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिए जो हमारी ये कटोरी है, यहाँ पे हमने 1.5 इंच जो ज़्यादा लेते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये कोना निकल रहा है, यहाँ से प्लेट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से आपको ये प्लेट जो है 3.5 इंच लंबी लेनी है। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। तो देखिए इस तरीके से लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इसकी प्लेट की जो चौड़ाई लेनी है वो 3 इंच लेनी है। तो 1.5 इंच इस साइड से लेंगे और 1.5 इंच इस साइड से। अभी इन पॉइंटों को इसी प्लेट से तैयार कर लेते हैं मार्किंग करके। तो देखिए स्केल को इस तरीके से रख लें और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देख रहे हैं आप, ये हमारी 3 इंच चौड़ी और 3.5 इंच लंबाई प्लेट की तैयार है। अभी इसको हम डबल कटोरी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हुक पट्टी है यहाँ से आप इस तरीके से एक पहले डॉट तैयार कर लें और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर गुलाई में इसकी मार्किंग करनी है। इससे क्या होगा, सेप बहुत ही अच्छी बैठेगी। तो देखिए इस तरीके से इसकी सेप आएगी। अभी जो प्लेट की चौड़ाई लेंगे हम, यहाँ से तो एक ही सिलाई का मार्जिन रहेगा, लेकिन हुक पट्टी साइड से और जो साइड में हमारा ये पट्टी अटैच होगी, यहाँ से 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। जो हमारी ये प्लेट है इसी के साइड से इसको निकाल देंगे प्लेट को। तो देखिए इसकी से जो शेप आएगी वो प्लेट की, इस तरीके से हमारी ये प्लेट यहाँ पर स्टिच होगी। तो इसको मैं पूरा डार्क कर देती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं कि आपको ये मार्किंग क्लियर दिख रही है। तो सबसे पहले प्लेट हम जो है ये नीचे वाली डालेंगे और बाद में ये साइड वाली। जैसे कि ये कॉटन का ब्लाउज है, ये बिना अस्तर का बना रही हूँ मैं। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो सेम ड्राफ्ट रख के आप अस्तर कट कर लें और अस्तर को इसी के साथ में स्टिच कर लें। तो देखिए सबसे पहले हम जो नीचे वाली प्लेट है इसको स्टिच करते हैं। तो इस तरीके से पकड़ लेंगे सेंटर से और जो हमारी ये मार्किंग है यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए ये नीचे वाली प्लेट मैंने स्टिच कर ली है। अभी जो हमने ये मार्किंग की थी डबल कटोरी की, अभी इसी मार्किंग पे यहाँ पर स्टिच डाल देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसको स्टिच कर दिया है। इसको खोलेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कप है कितना अच्छा बन गया। देखिए पूरा जैसे आप कट करके बनाते सेम उसी शेप में ये डबल कटोरी में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी हम जो साइड का पार्ट है इसके साथ स्टिच करते हैं। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर उल्टा रखने के बाद यहाँ से लेके पूरा नीचे तक स्टिच कर देते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टिच डाल दिया है। तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा आगे पीछे, तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं कट करके। तो देखिए ये पूरा कप साइज तैयार हो चुका है। अभी नीचे हम बेल्ट लगा के इसकी फिनिशिंग देते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने ये दो बेल्ट कट कर लिए हैं, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए, इससे क्या थोड़ा फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो देखिए हम इसको ऊपर वाली बेल्ट को इस तरीके से रख लेंगे और नीचे बेल्ट को नीचे की तरफ। तो इससे क्या है, जो सिलाई हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी। और उसके बाद आपको जो ये प्लेट है इस पर खास ध्यान देना है, इसी तरह से स्टिच ना करें। इससे क्या है, जो कप साइज है वो ठीक से नहीं बैठेगा। आप इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर दें, या तो पहले यहाँ पर फोल्ड करके स्टिच डाल दें जैसे कि आपको बता रही हूँ। तो देखिए अभी आप प्लेट लेंगे तो ये प्लेट हमारी दबेगी नहीं, आराम से स्टिच हो जाएगी। अब स्टिच करते हैं। स्टिच कर दिया है, इसको खोल देंगे तो देखिए बाहर की तरफ इस तरीके की फिनिशिंग आएगी। और उल्टा आप देखेंगे तो देखिए जो भी सिलाई थी हमारी अंदर की तरफ चली गई और ये प्लेट भी हमारी पूरी सेफ रही है, यहाँ पर कोई इसमें स्टिचिंग नहीं गया। अभी हम किनारे पे सिलाई डाल के इसको तैयार कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसी में एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया था, अगर आपने नहीं लिया है तो 1.5 इंच स्ट्रेट पट्टी लेके इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। मैंने इसी में लिया है तो मैं अंदर इसको इसी तरह से फोल्ड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे फिनिशिंग कंप्लीट है। जैसे राइट साइड का तो यहाँ पे हमारे हुक आएंगे, उसके लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है। जैसे कपड़ा कम है तो आप जॉइंट कर सकते हैं। इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे।
कि यहाँ पर फिनिशिंग कंप्लीट है। अभी हम यहाँ पर नेक की फिनिशिंग दे लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ी क्रॉस में पट्टी कट कर ली है। डबल फोल्ड करेंगे और स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। जो पट्टी नेक की फिनिशिंग के लिए हमने स्टिच की थी, देखिए इसको इस तरीके से पलट के यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए इसकी फिनिशिंग नेक की कुछ इस तरीके से आएगी। और जो राइट साइड का यहाँ पे हमारे हुक्स आ जाएंगे और लेफ़्ट साइड में काज। जब आप इसकी साइड फिटिंग कर देंगे तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आ रही है। एकदम परफेक्ट आपका कप साइज़ तैयार हो जाएगा बनकर। इसी तरह मैं दूसरा साइड का पीस भी तैयार कर लूँगी। अब इस आसान तरीके से सिंगल कटोरी ब्लाउज को डबल कटोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना कट के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।